स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे कक्षा छह के अध्याय दो आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। तुषार नाम का लड़का अपने रिलेशन की शादी में कहीं पे जा रहा था, तो उसे ट्रेन से जाते हुए पेड़ पौधे वगैरह पीछे दिखाई दे रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। पेड़ पौधे खेत खलियान तो एक जगह पे थे, लेकिन जब हम किसी बस या ट्रेन या किसी गाड़ी में सफर करते हैं तो हमें पेड़ खेत खलियान पेड़ पौधे वगैरह पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके चाचा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा कि तुम्हें पता है कि ये ट्रेन 150 साल पहले स्टार्ट हुई और बस तो कुछ दशक पहले स्टार्ट हुई। तो वो भैया सोचने लगा कि पहले लोग क्या करते थे, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इतने तेज सवारियां थी नहीं तो लोग कैसे जाते, क्यों आज तो बहुत स्पीड में बुलेट ट्रेन वगैरह रेलगाड़ी एरोप्लेन पानी के जहाज बहुत सारे साधन उस टाइम वो थे नहीं, तो वो किस ढंग से जाते होंगे, क्या तरीका हो, क्या पहले के लोग जाते नहीं थे वगैरह। तो आरंभिक मानव उस टाइम कैसा था, उसके दिमाग में यह प्रश्न आया। आरंभिक मानव कैसा था, उसके दिमाग में यह प्रश्न। उपमहाद्वीप में वह 20 लाख साल पहले, इस उपमहाद्वीप में वो 20 लाख साल पहले रहते थे, 20 लाख साल पहले वह लोग यहां पर रहते थे, तो उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से हम उन्हें जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक वो होते हैं जो शिकार पर निर्भर रहते हैं, जो एक जानवर को मारकर उससे भोजन प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर वह जब ये जानवर वगैरह खत्म हो जाते थे, जब वहां पर इतना आवास नहीं होता था, तो एक तो कारण ये रहा होगा कि उनके जाने का एक कारण तो ये रहा होगा कि भोजन जब वो खा कर भोजन को समाप्त कर देते होंगे, एक तो कारण ये रहा होगा कि भोजन की तलाश में जाते थे। दूसरा, कुछ शिकारी पशु वह भी दूसरे भोजन पर निर्भर थे, तो वह दूसरे भोजन पर निर्भर होने के कारण दूसरे इलाकों में जाते थे। तीसरा कारण रहता है पानी, तीसरा कारण होता है पानी भी कहीं कहीं बरसाती पानी होता है, तो बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। कई नदी नाल नदी तालाब पारा मास चलते रहते हैं, लेकिन कहीं पर पानी बरसाती होता है तो उसकी वजह से भी जाते थे। इसकी वजह से एक मौसम के अनुसार फल फूल उगते थे, तो उसके कारण एक कारण मौसम भी है, तो उसके कारण भी लोग आते जाते थे। उपयुक्त कारणों की वजह से लोग जाने लगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी इस प्रकार मिलती है। आरंभिक मानव कैसा था, इसके बारे में जानकारी किस प्रकार मिलती है। आरंभिक मानव जो औजारों का उपयोग करते थे, जिन औजारों का, जो कि पत्थर खाद्य संग्रह होते थे, तो वो जो औजारों का उपयोग करते थे वो आज भी बचे हुए हैं। जैसे कि पत्थर और लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाया करते थे, उसमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, जो पत्थरों के औजार हैं और वो आज भी बचे हुए हैं, जिसके माध्यम से लोगों ने पता किया कि लोग कैसे जीवन यापन के लिए उनका उपयोग करते थे। इन पत्थर के औजारों का या फिर कोई जड़ खोदने के लिए उपयोग करते थे, कोई इस प्रकार की पेड़ की जड़ हो, पौधे की जड़ हो, जिसको खाने के लिए उपयोग करते थे, जिसकी जड़ को ही हम खाते हैं, उसके माध्यम से उपयोग करते थे। दूसरा, जो पशु थे उनकी खाल उतार के उनको सीलने के लिए, जो खाल से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करने के लिए भी उसका प्रयोग
करते थे, और उसके अलावा कुछ औजार बनाने के लिए भी उपयोग करते थे, जैसे कि लकड़ी के उनके ऊपर मुट्ठे डाल के, लकड़ी के या फिर हड्डियों के ऊपर मुट्ठे डाल के उनके भाले भी बनाए जाते थे, उनके भाले भी बनाए जाते थे। अब आप देख रहे होंगे यहां पर त्रिकोण की साइज के, त्रिकोण वाले यहां पर यह लोग पुरा स्थल खाद्य संग्राहकों के रहने के प्रमाण मिले। मानचित्र में गिने चुने स्थान किए गए हैं, ये तीन जगह है जहां पर लोग इन लोगों के रहने के, जिसमें एक भीम बैठका है, ये आधुनिक आधुनिक मध्य प्रदेश आधुनिक मध्य प्रदेश का है। यहां पर लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि मौसम ऐसा था सर्दी वर्षा और गर्मी से बचने के लिए इसकी जो गुफाएं हैं वो उनके लिए बहुत लाभप्रद थी, क्योंकि गुफाएं तो प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती थी। जैसे कि एक बड़ा पर्वत है, उसके अंदर एक छोटा सा एक इतना छेद है जिसके अंदर काफी हद तक जगह है जहां पर रह सके कोई मनुष्य वगैरह, कोई जानवर वगैरह, तो इतनी गुफा होती थी, वहां पर भी रहते थे लोग। उसके अलावा वो हवाओं से राहत पाने के लिए, ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह नर्मदा घाटी के पास है, नर्मदा घाटी के पास है। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते। अवशेष यानी कि क्या कहते हैं, ये अवशेष क्या होते हैं, अवशेष यानी कि क्या, जो पुरानी चीजें मिलती है जिनके टुकड़े मिलते हैं, जो जमीन को खोद के निकाले जाते हैं या फिर पुरानी स्थिति में मिलते हैं, पुराने होते हैं, उन्हें कहते हैं अवशेष। क्या कहते हैं, अवशेष। मानचित्र में गुरनूल गुफा ढूंढो जहां यहां राख के अवशेष मिले, राख के अवशेष मिले। यहां पर कुछ अनाज के दाने मिले होंगे जो जलाए गए हैं या फिर गलती से भी जल गए हैं, उसके भी दाने मिले हैं। आरंभिक के लोग जो थे, राख के अवशेष मिले, तो यहां पर जो आग का इस्तेमाल किया जाता था आग जलाने का, तो प्रकाश मांस प्रकाश के लिए एक तो आग का उपयोग किया जाता था। कुर्नूल की गुफा में मिले हैं राख के अवशेष, इसके अंदर आग का उपयोग या तो मांस भूनने के लिए किया जाता या लकड़ियां जलाने के लिए, प्रकाश प्राप्त करने के लिए या फिर सर्दी से बचने के लिए भी इनका उपयोग होता था, क्योंकि पहले के लोग इतने जानकार नहीं थे कृषि के बारे में और बहुत सी चीजों के बारे में, वो मांस पर ही निर्भर करते थे, शिकार करते थे। पहले उन्होंने कच्चा मांस खाना स्टार्ट किया, उसके बाद उस मांस को भूनना स्टार्ट किया। अपन ने एक कहानी सुनी होगी, पत्थर को पत्थर से मारते हैं फिर आग जलती है, उसके माध्यम से उन्होंने आग जलाना सीखा, वो कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी। फिर बदलती जलवायु, इस पूरा पाषाण को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में पूरा पाषाण, आरंभिक आरंभिक मध्य नवपाषाण, तीनों के लिए पाषाण, आरंभिक पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, सॉरी आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। शुरुआत का जो पूरा पाषाण है वो लगभग 20 लाख साल से, जो पहले 12,000 साल पहले है के लोग हैं उसके बारे में, उसके बाद 12,000 साल के बाद, उसके बाद ये वाला मध्य पाषाण वो होता है जिसमें आरंभिक साल है 12,000 साल से पहले 10,000 साल पहले तक, 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक, और उसके बाद इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे, जिसे माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था, लघु पाषाण कहा जाता था।
ये मेसोलिथ होते थे, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती, इसे नव पाषाण कहते हैं, इसे नव पाषाण कहते हैं। अब बदलती जलवायु के साथ, जो जलवायु थी वो बदलती गई, जलवायु बदलती गई, तो 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु थी उसमें बड़े बदलाव आए, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदान बनने लगे। बढ़ती जलवायु के कारण जो है मैदान बनने लगे। अब मैदान बनेंगे तो घास का भी मार्ग सुलभ होगा और उसके द्वारा गेहूं जो वगैरह जो है वो अपने आप उपजने लगे, उपजने यानी कि उगने लगे, जिसके माध्यम से उनको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये कैसे फसल उगती है वगैरह। उनको मौसम के बारे में भी नॉलेज बढ़ने लगी। धीरे धीरे क्या होगा, उन्होंने इन्हें उगाना भी सीख लिया। अब केवल वो शिकार पर भी निर्भर नहीं रहने लगे, उन्होंने इसे उगाना भी सीख लिया मौसम के अनुसार, कि कौन सी फसल कैसी होती है, कौन से हैं जो जंगली पौधे हैं और कौन से हैं जो वनस्पति योग्य हैं, जो खाने में नुकसान नहीं देते और जिससे शरीर को लाभ ही होता है, उसके बारे में भी उनको नॉलेज मिलने लगी। उनको इस बारे में नॉलेज मिली तो उन्होंने इनका उपयोग किया, इन्होंने बीज को स्टोर करना स्टार्ट किया, कुछ बीजों को स्टोर किया कुछ यानी कि फसल उगाने के लिए, और कुछ को खाना प्रारंभ किया। उस टाइम आग जलाना ये लोग सीख गए थे, तो भोजन पकाने की भी इन्हें विधि आने लगी। उसके अलावा इन्होंने कुछ पशुओं को चारा घास खाते देखा, उसके माध्यम से इन्होंने उनसे कुछ सीखा कि ये किस मौसम में कैसे घास वगैरह खाते हैं। तो इन्होंने उसके लिए चारा इकट्ठा किया, जिसके माध्यम से ये उन्हें चारे के माध्यम से अहिंसक पशुओं को पालतू बनाने लगे, अहिंसक पशुओं को पालतू बनाने लगे। और इनमें सबसे पहला जो जानवर पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज है, कुत्तों का जंगली पूर्वज है, कुत्तों का जंगली पूर्वज है। इसके माध्यम से धीरे धीरे लोग और ज्यादा जानने लगे। उसके बाद एक नवीन जीवन शैली स्टार्ट होने लगी। इसके माध्यम से इन्होंने बीजों के लिए टोकरियां बनानी प्रारंभ की और कुछ बर्तन बनाने स्टार्ट किए, जिसके द्वारा उस भोजन को संग्रहित भी किया जा सके और कुछ भोजन को ऐसे संग्रहित किया जा सके जिससे वो खराब भी नहीं हो और कुछ भोजन खाया भी जा सके। उसके अलावा इन्हें वैज्ञानिक खुदाई में हमें पुरातत्वविदों को पशुपालकों के होने के साक्ष्य भी मिले। उसके अलावा कुछ स्थायी जीवन बुर्जु होम के लोग एक गड्ढे में रहते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, बुर्जु होम, बुर्ज होम के लोग एक गड्ढे में रहते थे जिन्हें जिसे वर्तमान में ब्रुज होम वर्तमान में कश्मीर में है, वर्तमान में जो यह कश्मीर का इलाका है यहां पर ब्रुज होम था, यहां पर लोग रहते थे। और जो इनके नीचे सीढ़ीदार, जैसे आज अपन अंडरग्राउंड कहते हैं, उस टाइम भी ऐसी सीढ़ियां बनाई जाती थी जिससे इन्होंने ठंड में रहने का तरीका भी सीख लिया। उसके माध्यम से ये और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने लगे। इसके अलावा नवपाषाण के युग के लोग अब मिट्टी के बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी करने लगे, यानी आजकल डिजाइनें बनाते हैं वैसी वो मिट्टी के बर्तनों पर भी डिजाइनें बनाने लगे। इसके अलावा हम एक और देखते हैं, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कैसे होती। तो स्त्री पुरुष जब होते थे तो उन कमरों में इलाकों में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां वगैरह मिली है। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले, चौकोर
और आयताकारों के अवशेष भी मिले हैं। तो इनको जब दफनाया जाता था लोगों को, तो उनकी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इनके साथ में इनके पालतू पशु या खाने लायक कुछ चीजें भी दफना दी जाती थी। यह ईरान के मेहरगढ़ में ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं, ऐसे कुछ शव मिले हैं जिसके माध्यम से लोगों को इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आई होप आपको मेरा यह चैनल पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।